बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी जिले के डुमरा ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद लगभग 50 स्कूली बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत यह है कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सदर अस्पताल की डॉक्टर सुधा झा ने बताया कि मिड डे मील में गिरगिट होने की शिकायत की गई थी। फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं और हमारी टीम उनकी देखरेख कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश काल बनकर टूटी है और सूबे में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत आयुक्त कार्यालय ने जानकारी दी है कि बीते 24 घंटे में राज्य में 9 अन्य लोगों की मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा सोमवार तक 19 था, जो बढ़कर अब 28 हो गया है। मिर्जापुर में 3, प्रयागराज में और सीतापुर में 2-2, जबकि सुल्तानपुर और बदायूं में 1-1 व्यक्ति की मौत का समाचार है। वहीं कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जलमग्न हुई इलाकों में राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। जल भराव वाले इलाकों से अब तक करीब 500 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। केरल में नेपा वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि प्रदेश सरकार दोनों मौतों को गंभीरता से ले रही है और मृतकों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। केरल सरकार ने कोझिकोड में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं और एहतियात के तौर पर लोगों को मास्क लगाने का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोझिकोड में एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कोझिकोड में अलर्ट जारी किया गया है।